13 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों ने दुमका जिला के प्रखंड कार्यालय जरमुंडी के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष लाल मोहन राय ने बताया कि एसपीटी एक्ट के प्रावधान के तहत ग्राम प्रधानों को लगान वसूली के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सरकार द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से लगान वसूली किया जा रहा है, जिसका हम सभी ग्राम प्रधान विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रधान के मूल अधिकारों से उन्हें वंचित न किया जाए। संथाल परगना प्रमंडल दुमका की ओर से एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में हम लोग मुख्य रूप से जो ग्राम प्रधानों का जो मूल अधिकार है लगान वसूली का, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुरूप अभी कार्य नहीं हो रहा है। ये पिछली सरकार ने इसको ऑनलाइन की व्यवस्था लगा दिया, जिसके चलते ग्राम प्रधान का हक और अधिकार मारा जा रहा है। इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग इसका विरोध करते हैं कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट में संशोधन किए बगैर ग्राम प्रधान से ही पुरानी व्यवस्था में लगान वसूली कार्य कराया जाए। यह हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं।